नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5 मिनट 25 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री के निजी कर्मचारी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं मुख्य सचिव। आचरण ने आईएएस तंत्र को पहुंचाई क्षति। कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह के मुआवजे से छुटकारा चाहती है एसआईआई। सूत्रों ने दी जानकारी। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमी, नए मामलों की अपेक्षा ठीक होने वाले अधिक की संभावना। भागवत की अगुवाई में संघ की 3 दिवसीय बैठक दिल्ली में आज से। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर चर्चा होने की संभावना। अस्पताल से शव लेकर परिवार ने कर दिया अंतिम संस्कार। 2 हफ्ते बाद जिंदा लौटी 75 वर्षीय महिला। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, छात्रों के स्वास्थ्य व हितों को ध्यान में रखकर लेंगे निर्णय। यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 5 जिलों के एसपी समेत 9 आईपीएस अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 4 जून से शुरू होगी ओपीडी सेवा, आदेश हुआ जारी। अब यूपी में आईटीआई के विद्यार्थियों को मिलेगी चिकित्सा की ट्रेनिंग, 6 ट्रेंडों में मिलेगा प्रशिक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन पर उठाया सवाल, बोले जनता जानती है कि वे किसके राजनीतिक टूल्स बने। महामारी के कारण दुनिया भर में और बढ़ेगा बेरोजगारी का संकट, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। नेतन्याहू का पीएम पद से हटना लगभग तय। इसराइल में नई सरकार के गठन के लिए विपक्ष में हुआ समझौता। डोमिनिकन कोर्ट का चौकसी को आदेश, मजिस्ट्रेट को बताएं कि डोमिनिका में कैसे आया। पाकिस्तान को आशंका, अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध। पाकिस्तान में हिंदू व्यापारी की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, खुशदार और कराची के बीच कई घंटे ट्रैफिक जाम। सुनील गावस्कर भी हैं टी20 क्रिकेट के फैन, बताया मिस्टर 360 डिग्री एबी डेविलियर्स खिलाड़ी की तरह खेलना पसंद करूंगा। कप्तान विराट कोहली ने बताया कारण, क्योंकि एक साथ खेला करेंगी 2 भारतीय टीम। वैश्विक आयोजनों की मेजबानी को लेकर आईसीसी का यू टर्न, अब बोल्ड करेगा मेजबान देश का फैसला। मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का एमसीए ने किया ऐलान, पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार को मिली जिम्मेदारी। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा, 3 मैचों के फाइनल से विजेता चुना जाए, पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी उठाया था मुद्दा। करण मेहरा निशा रावल के झगड़े के बीच राखी सावंत का वीडियो वायरल, कहा 4 साल पहले हम साथ में अमेरिका गए थे। गोविंदा संग पुरानी बातों को भूल, कॉमेडियन कृष्ण अभिषेक को आई उनकी याद, चीची मामा संग शेयर की खास तस्वीर। अमिताभ और जया बच्चन की शादी की सालगिरह आज, सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर। टाइगर श्रॉफ के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज, मुंबई पुलिस ने लगा है आरोप।
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने शेयर की बेहद ही बोल्ड तस्वीरें, ब्लैक डीप नेक टॉप में देख फैन हुए दीवाने। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।